जैसे कि आप रन सबने बेरो है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 12 जुलाई से टेस्ट सीरीज शुरू होगी। 12 जुलाई से इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में 2 टेस्ट मैच और 5 T20 मैच की सीरीज शुरू होगी। तो इस सीरीज के लिए अब टीम इंडिया की घोषणा हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं थन टीम इंडिया के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले थे वीडियो लाइक जरूर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब भी करियो। टीम इंडिया टेस्ट और वनडे के लिए आपकी टीम घोषित कर दी है। टेस्ट टीम की बात करें तो टेस्ट की टीम बाई नियमित टीम है, लेकिन इस टीम से इस बार पुजारा ने बार न कर दिए गए हैं, क्योंकि पुजारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में बहुत ही खराब खेले हो और भी सागर उमेश यादव ने भी टीम से बाहर कर दिए गए हैं। और बात करें नए खिलाड़ी के बारे में तो इस टेस्ट सीरीज में यशस्वी जायसवाल जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेले हुए इस बार बिना टेस्ट की टीम में जोड़ लिए गए हैं। यशस्वी जायसवाल 2023 का IPL में बहुत तगड़ो खेले हो और जायसवाल का सागर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि चेन्नई टीम से खेले हो बिना भी टेस्ट की टीम में जगह दे दी गई है। तो अब देखना उसी कि आज दोनों खिलाड़ियों ने प्ले 11 में मौको मिलसी या कोनी मिले, लेकिन फिर भी टेस्ट टीम में मौको मिलनो इनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये दोनों खिलाड़ी अपन जल्द ही टेस्ट की टीम में खेलता भी दिखेगा, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त खेली। और अजिंक्य रहाणे जो कि 2023 में CSK की टीम से IPL खेले हो और CSK की टीम में आपको बहुत ही जोर को प्रदर्शन दिखाए हो, बिकॉज सागर अजिंक्य रहाणे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी बहुत ही जोरदार पारी खेली। अजिंक्य रहाणे पहली पारी में 89 रन बनाया और बिकॉज सागर ही दूसरी पारी में भी 46 रन को योगदान करियो। और अब ये मेहनत को फल अजिंक्य रहाणे ने मिल गया है। अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से टीम इंडिया की टेस्ट टीम को उपकप्तान बना दिए हुए हैं। और अगर बात करें वनडे टीम के बारे में तो वनडे टीम में इस बार संजू सैमसंग ने मौको दे दिए हुए हैं। तो देखना उसी संजू सैमसंग वनडे की टीम में कैंक को प्रदर्शन दिखाओगे। वनडे सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होनी है। और अगर बात करें T20 सीरीज के बारे में तो T20 सीरीज के लिए अभी तक टीम की घोषणा कुनी हुई है और T20 सीरीज की शुरुआत 3 अगस्त से होगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो चोखो लगे हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो।